हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा बेटा है जो आज मेरी इस वीडियो में मेरा साथ दे रहा है। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ एक मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है गुजिया की रेसिपी। एक फेस्टिवल सीजन में आप इसे कभी भी बना सकते हैं। होली आने वाली है फिलहाल, तो आप होली पे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ दो टाइप की गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। पहली है सूजी की गुजिया की रेसिपी और सेकेंड है मावा गुजिया जो हम चाशनी में डिप कर बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चाशनी वाली जो गुजिया है उसकी रेसिपी बताऊंगी। अगर आप सूजी की गुजिया की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आटा लगाएंगे गुजिया के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधी किलो आटा लिया है, 500 ग्राम मैदा लिया है, आटा नहीं सॉरी मैदा। एंड इसमें हम बीच में थोड़ी सी जगह बनाऊंगी और अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी का मोन। हम इसमें घी डालेंगे जिसे मोन बोलते हैं। तो 500 ग्राम मैदे में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/4 एक चौथाई हिस्सा घी का, मतलब कि 500 ग्राम अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसमें 125 ग्राम डालना है मोन, मतलब कि देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और पानी डालने से पहले हमें घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, मैश करते हुए आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, अगर इस तरीके से आपका आटा बाइंड हो रहा है दैट मीन्स आपका जो मोन है वो बिल्कुल सही डला है, घी की मात्रा बिल्कुल सही डली है आटे में। और अब हम आटा लगाएंगे जैसे हम पूरियों का आटा लगाते हैं, बट पानी हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा गर्म, मतलब कि थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज़ करेंगे आटा लगाने के लिए। और इस तरीके से हम अच्छे से थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है आपको, आपको सख्त आटा लगाना है। जैसे आप पूरियों के लिए लगाते हैं नॉर्मल, उस तरीके से आपको आटा लगाना है। और ये देखिए, हमारा जो डो है वो ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और गूँथ लेंगे, थोड़ा सा और मैं इसको नीट कर लूँगी। और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा सख्त ही लगाना है हमें आटे को, बट ये ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ी स्ट्रेचिनेस होनी चाहिए आपके आटे में। और इसको हम गूंथ कर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ढक कर रख देंगे। तो देखिए, हमारा जो डो है वो रेडी है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि ये इसके ऊपर की परत सूखे ना। और थोड़ा सा हाथ में पानी लेके मैं इस पूरे डो के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी और इसको हम कवर कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में। और अब हम बनाएंगे हमारी गुजिया के लिए फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के आसपास पाउडर शुगर ली है, चीनी को जस्ट मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मावा गुजिया में चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डलती है। 300 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर लिया है मावा। एक कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है ये किशमिश। और एक से दो मैंने यहाँ पर ली है डोडा इलायची, जो बड़ी वाली काली इलायची होती हैं वो। और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि बादाम और काजू, 10 से 12 टुकड़े बादाम के और 10 से 12 टुकड़े मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, इनको आप बारीक काट लें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसमें मैं डालूंगी ये कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसे हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से एक से दो मिनट के लिए भूनना है। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही इंक्रीज़ होगा और आप बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी गुजिया में। और ये देखिए, जो ये नारियल है वो भुन गया है और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बड़े कटोरे में, आप बड़ी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो और अब उसी पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी, 1/2 टीस्पून के आसपास मैं इसमें डालूंगी देसी घी। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक पिसी हुई ये डोडा इलायची, जो मैंने आपको इलायची की थी बताई थी, आप उसको अच्छे से पीस लिए और उसको डालिए। इसको आप अगर भूनेंगे तेल में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भून के यूज़ करते हैं तो उनका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी किसी भी डिश में जिसमें भी आप अगर आप भून के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी हमारे भून गए हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब उसी पैन में हम भूनेंगे हमारा मावा। तो मावा यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम के आसपास मावा। मावा थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हम मावा गुजिया बना रहे हैं इसीलिए। तो मावा को हमें भूनना है हाई फ्लेम पे, फ्लेम को आप हाई रखिएगा। बेसिकली हमें जो मावा का एक्स्ट्रा पानी है उसे इवेपोरेट करना है। तो मावा को आप अच्छे से भूनते रहिएगा और जब भी आप भूनें तो इसको आप चलाते रहिएगा। और ये देखिए,
ये जो कंसिस्टेंसी है इस स्टेज पे जब आ जाए तो काफ़ी हद तक पानी इसका निकल चुका है, तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, तो इसको आप साइड में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए अच्छे से। उसके बाद हम इस मावे को अपने मिक्सर में मिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो मावा है वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप इसको आराम से हाथ में पकड़ सकते हैं। और ठंडा करने के बाद हम मावा को डालेंगे हमारे बाकी मिक्सर में। तो चलिए इस मावे को हम इस मिक्सर में डालते हैं। ये रोस्ट नारियल और ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, इसमें हम डालेंगे इस मावे को। आप मावे को ठंडा करके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसमें शुगर डालेंगे तो अगर वो गर्म होगा तो वो शुगर मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको एडवाइस दी थी कि आप मावे को बिल्कुल ठंडा करके इसमें यूज़ कीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये किशमिश, और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी आधी कटोरी के आसपास पाउडर शुगर। चीनी को मैंने पीस लिया है, चीनी इस वाली रेसिपी में कम डली है क्योंकि हम ये चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, तो चाशनी में भी मिठास होगी तो आपकी गुजिया ज़्यादा मीठी ना हो, इसलिए हमने थोड़ी क्वांटिटी जो है वो चीनी की वो कम कर दी है। और अब हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मावे को ड्राई फ्रूट्स के साथ आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा इस तरीके से मैश करके। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है, और ये देखिए आप इसको बाइंड करें तो ये बाइंड हो जाए, और आप तोड़े तो आराम से टूट भी जाए, दैट मीन्स आपका जो ये मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है गुजिया के लिए। तो चलिए बनाते हैं गुजिया। तो अब हम बनाएंगे गुजिया के लिए चाशनी। यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम के आसपास चीनी ली है, एक कटोरी चीनी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधी कटोरी पानी। तो आधी कटोरी पानी हम ऐड कर देते हैं, गैस ऑन कर देती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मेल्ट करना है चीनी को पानी में, और जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाती आप इसको चम्मच से चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को आप फुल ही रखिएगा जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। तो देखिए जो हमारी चाशनी है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और अब मैं गैस को लो कर दूंगी। तो पहले मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए पिस्ते, इससे बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर ऐड होगा आपकी चाशनी में। कुछ धागे मैं डालूंगी इसमें केसर के, एंड नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी दरदरी कुटी हुई डोडा इलायची, जो काली वाली इलायची होती है वो, आप हरी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ और बॉयल आने देंगे, और कुछ देर बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। देखिए अब हम चेक करेंगे, थोड़ी ठंडी हो जाए, इसका जो टेक्सचर है वो आपको जैसे शहद होता है ना, चिपचिपापन आपका आना चाहिए आपकी चाशनी में। अगर वो चाशनी आपकी चिपचिपी है, चिपक रही है उंगलियों से, तो दैट मीन्स आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तो हमारी चाशनी तो है रेडी। तो चलिए बनाते हैं गुजिया। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे गुजिया। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लोई ले ली है, इसको हम पूरी की तरह बेल लेंगे। इस तरीके से आप इसको बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और जो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना आपको इस पूरी को। तो ये देखिए, ये हमारी जो पूरी है वो रेडी है। अब हम इसको इस तरीके से हथेली में लेंगे, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हमारी जो मावा और नारियल की फिलिंग है वो। तो एक से दो चम्मच के आसपास या डेढ़ चम्मच के आसपास हम इसमें डालेंगे हमारी मावा की फिलिंग, ये देखिए। एंड अब इसके किनारों पे मैं लगाऊंगी पानी, जिस तरीके से आप मोल्ड में गुजिया बनाते हैं उसके किनारों पे पानी लगाते हैं, उसी तरीके से आपको इसके किनारों पर भी चारों तरफ पानी लगाना है। और अब हम इसको ध्यान से फोल्ड करेंगे, देखिए थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिलिंग को अंदर ताकि वो कहीं फैले ना, और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और हर तरफ से इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए गुजिया को हम बंद कर देंगे उंगलियों की हेल्प से। तो आपको इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बंद करना है पहले, ये देखिए इस तरीके से आप इसे प्रेस करते हुए अच्छे से सील कर दीजिए चारों तरफ से, हर तरफ से। और अब हम बनाएंगे हमारी गुजिया में डिज़ाइन। तो चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन के लिए आपको इसको इस तरीके से मोड़ना है और अंगूठे से दबाना है, फिर इस तरीके से निकाल के आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते जाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आराम से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से हैबिट हो जाएगी आपको इसको बनाने की। तो इस तरीके से निकालते हुए इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है,
और एट द लास्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो गुजिया का रेडी हो जाएगा और गुजिया हर तरफ से अच्छी तरीके से बंद भी हो जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, अंदर दबाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको अंदर दबाएंगे, अंगूठे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो गुजिया का डिज़ाइन है वो रेडी है। तो मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ गुजिया फोल्ड कर, ये हमारी पहली गुजिया रेडी है। तो एक और गुजिया हम बनाएंगे, मैंने फिर से एक पूरी बना ली है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी फिलिंग। 2 से 2.5 चम्मच के आसपास हम इसमें फिलिंग डालेंगे और चारों तरफ इसके किनारों पर हम लोग पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए गुजिया। और इस तरीके से फोल्ड कर इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए दबा देंगे ताकि कहीं से भी जो फिलिंग है वो निकले ना हमारी फ्राई करते हुए। और ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अंदर दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, अंदर दबाएंगे और अंगूठे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फिर फोल्ड करके अंदर दबाकर अंगूठे से प्रेस करेंगे। इस तरीके से आप आराम आराम से इसको डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं और जो गुजिया है उसको आप सील कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाते जाइए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। सबसे पहले बताऊं तो ये जो मेथड है थोड़ी मेहनत है बट फ्रेंड्स सीरियसली बहुत टेस्टी लगती है गुजिया, क्योंकि जो चाशनी में जो गुजिया डूबती है चाशनी अंदर तक जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस गुजिया में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप सिंपल गुजिया बनाना चाहते हैं तो उस मतलब सूजी की जो गुजिया होती है जो मोल्ड में हम बनाते हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए हमारी दूसरी गुजिया भी रेडी है। तो सूजी की गुजिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम फ्राई करेंगे हमारी गुजिया। जब आप गुजिया फ्राई करें तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए, आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है गुजिया फ्राई करते समय और आपको इसको लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना कर ले और दोनों साइड पलटते हुए आप इसको फ्राई करें। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट बाद जो हमारी गुजियाँ हैं वो रेडी हैं, वो फ्राई हो गई हैं और अब हम इनको सीधा तेल से निकालकर चाशनी में डिप करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से आप इसको डिप कर लें ताकि इसके अंदर जो चाशनी है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए आप इसको डिप करें फिर आप निकाल दीजिए। और इस तरीके से अब हम सारी जो भी गुजियाँ हैं उनको डिप कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने ये गुजियाँ डिप करी थी, इनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम गुजियाँ निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने अपनी जो गुजियाँ हैं वो चाशनी में से निकाल ली हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी मावा गुजिया विद शुगर सिरप, चाशनी वाली मावा गुजिया बिल्कुल रेडी है। जैसे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट में खाते हैं ना स्वीट शॉप पे, बिल्कुल वैसी बनी है और उससे बहुत टेस्टी है क्योंकि आपने ये खुद बनाई होगी। और देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है हमारी ये रेसिपी। और अब मैं आपको इसको एक बार ब्रेक करके दिखाती हूँ। देखिए जो चाशनी है वो बिल्कुल अंदर तक गई है गुजिया के और ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड अगर आप देखना चाहते हैं सूजी की गुजिया, सूजी मावा की गुजिया, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर वो लिंक एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वो भी बहुत सिंपल मेथड है सूजी की गुजिया का, तो वो भी आप अपने घर पर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टेक केयर फ्रेंड्स।